आदाब अर्ज़ है नाज़रीन, आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नज़र डालेंगे सुर्खियों पर। राइस मिल मालिकीन और किसानों को नुकसान से बचाया जाएगा, रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र ने मुनक़िद किया जायजा इजलास। खिलवत ग्राउंड पर गौसुल बरा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद, उलमा इकराम और मशाइखे उजाम ने किया खिताब। कठुआ इस्मत रेजी वाकई की मजम्मत में एहतजाजी रैलियां जारी, इस्मत रेजी करने वाले दरिंदों को सजाए मौत फौरी तौर पर देने का किया गया मुतालबा। सलाम तेलंगाना के जेर उनवान रविंद्र भारती थिएटर में तहजीबी प्रोग्राम्स जारी, डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज उर्दू को फरोग देने के लिए पुरअज़्म, रूबी न्यूज की खुसूसी रिपोर्ट। मक्का मदार में घर घर तलाशी मुहिम, पंजा गुट्टा पुलिस ने की कार्रवाई, मुश्तबा अफराद जेर हिरासत। राजन देखते हैं खबरों की तफसील। रियासती वज़ीर फाइनेंस सिविल सप्लाईज ई राजेंद्र ने राइस मिल्स मालिकान के साथ एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। उन्होंने तयकुन दिया कि हुकूमत न किसानों का नुकसान करेगी और न ही राइस मिल मालिकान का नुकसान करेगी, क्योंकि खबलजी दरमियानी आदमी के होने की वजह से दोनों का नुकसान हो रहा था। रियासती वज़ीर फाइनेंस सिविल सप्लाईज ई राजेंद्र ने राइस मिल्स मालिकान के साथ एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। उन्हें तयकुन दिया कि हुकूमत न तो किसानों का नुकसान और न ही राइस मिल्स मालिकान का नुकसान करेगी, क्योंकि खबलजी दरमियानी आदमी के निज़ाम की वजह से दोनों भी नुकसान में रहते थे। ई राजेंद्र ने बताया कि वज़ीर-ए-आला के चंद्रशेखर राव हर एक के मफाद को देखते हुए फैसला कर रहे हैं और नई रियासत तेलंगाना की तश्कील के बाद वज़ीर-ए-आला केसीआर की जानिब से किसानों को दिए जाने वाले फायदों से रियासत की शराब पैदावार में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ है। एमएसपी उंटे 1620 रूपये 30 रूपये, ग्रेड टू की 1550 रूपये उंटे 1580 रूपये 90 रूपये, रैतांगानिकि 30-40 रूपये एक्कुव इच्चि कोनडानिकि वारु मुंदुकोच्चिन संदर्भंलो वारिकि कूडा पर्मिशन इव्वडं जरिगिंदि। एंदुकंटे पेद्द एत्तुन तेलंगाण राष्ट्रंलो प्याडी राबोता उंदि काबट्टि బైటిక్ ఎక్స్పోర్ట్ చేయడానికి కొంత ఇబ్బందిగా ఉన్నటువంటి సందర్భంలో ఇవాల తమిళనాడు మళ్ళీ బియ్యం అడడం అది మంచి పరిణామంగా మేము భావిస్తూ ఉన్నాం. అదేవిధంగా రైస్ మిల్లర్లు కూడా పోయిన సంవత్సరం తీసుకున్న ప్రతి గింజ దాదాపు 98.66% బియ్యాన్ని ఇప్పుడే తిరిగి పెట్టిండు. మిగతా బియ్యాన్ని కూడా ఈ 10-15 రోజుల్లో పెడతా అని చెప్పి వారు అంగీకరించడం జరిగింది. చాలా తక్కువ క్వాంటిటీస్ తెలంగాణ రాక మునుపు 150 కోట్ల రూపాయల బియ్యం రైస్ మిల్లర్లు మాకు బకాయి పడ్డారు. దాని మీద రెవెన్యూ రికవరీ కేసులు కూడా కొనసాగుతూ ఉన్నాయి. ఇవాళ ఇచ్చేటువంటి ఈ ప్యాడ్ ఏదైతే ఉందో మొత్తం సంఘం రైస్ మిల్లర్ల అసోసియేషన్ గ్యారంటీతో ఇలా ఈ రాష్ట్రంలో ఉన్న అన్ని రైస్ మిల్లర్లకి కెపాసిటీని బట్టి ఇలా ప్యాడ్ అలకేట్ చేస్తా ఉన్నాం. तेलंगाना के चंद्रशेखर राव ने प्रगति भवन पर आला अहदेदारों के साथ एक जायजा इजलास का इनेकाद अमल मिला। इजलास में मिशन भागीरथा का तफसीली तौर पर जायजा लिया गया। आला ने अहदेदारों को हिदायत दी कि वो मिशन भागीरथा के कामों में तेजी लाए और पानी की सरबराही को रियासत भर में मुमकिन बनाने के लिए जल्द अज जल्द इकदाम किए जाए। कांग्रेस रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने विधायक तेलंगाना के चंद्रशेखर राव से मुतालबा किया है कि किसानों को फी एकर 4000 रुपए जो अदा किए जा रहे हैं उसमें इजाफा किया जाए। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए बताया किसानों को फी एकर पर एक मौसम में 18000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है।
اور بتایا کہ اس طرح کاشت بھی خراب ہو رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ فی ایکڑ 8,000 روپے ادا کیے جانے چاہیے۔ کانگریس رکن اسمبلی جیون ریڈی نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ریالہ کے سی آر سے مطالبہ کیا کہ وہ کسانوں کو فی ایکڑ 4,000 روپے جو ادا کر رہے ہیں اس میں اضافہ کیا جائے، کیونکہ کسانوں کو فی ایکڑ ایک موسم میں 18,000 روپے کا نقصان ہو رہا ہے۔ جیون ریڈی نے کہا کہ جو کاشت ہلدی، مرچی، کاٹن اور دیگر سالانہ ہوتی ہے اس کے لیے فی ایکڑ 8,000 روپے فراہم کیے جائیں، اور ریالہ کے سی آر کسانوں کو مکمل طور پر نظر انداز کر رہے ہیں اور جن کی اراضیات حکومت قاعدے سے لی ہے اور ریاست میں کاشت کرنے پر امداد دی جانی چاہیے۔ یہ ریمیونریٹو پرائس دلوانا یہ ریاست حکومت کی ذمہ داری ہے، اور مرکز حکومت جو ہے منیمم سپورٹ پرائس بول کے ایم ایس پی جو فکس اپ کر رہے وہ ریمیونریٹو نہیں ہو رہے۔ یہ دھان کے بارے میں اب سمجھو 1590 روپے دے رہے، حقیقت میں تو 2000 اور 2200 کے بیچ میں رہنا چاہیے۔ یہ بات میں نہیں بول رہا ہوں، میں سی ایم صاحب بولے دھان کو جو ہے کم از کم 2000 سے 2200 تک رہنا ضرور ہے بول کے، اسی مکئی کو جو ہے کم از کم 2000 رہنا بول کے بولے۔ اب حقیقت میں ایم ایس پی جو ہے 1425 مل رہے، اس کا مطلب دھان کے اوپر کوئنٹل کے پیچھے 600 روپے نقصان بھگت رہے کسان، مکئی کے پیچھے ہر کوئنٹل کے پیچھے 575 روپے نقصان بھکت رہے۔ تم صرف 4,000 روپے دے کر اگر ایک ایکر کے پیچھے 30 کوئنٹل فصل نکلے تو بھی 30 × 600 18,000 نقصان بھکت رہے دھان کے اوپر۔ 18,000 میں تم کیا دے رہے؟ 4,000 دے رہے، 14,000 اور بھی نقصان ہو رہا ہے کسان کو۔ مکئی میں کیا ہو رہے؟ ہر کوئنٹل کو 575 روپے نقصان بھکت رہے، تقریباً وہ بھی 15,000 روپے سے زیادہ نقصان بھکت رہے۔ تم جو دے رہے 4,000، 11,000 وہاں پہ نقصان بھکت رہے، تم 4,000 دے رہے اچھا ہے، میں نکو بول کے نہیں بول رہا ہوں، مگر یہ 4,000 بس ہونے کی بات نہیں ہے۔ یہ 4,000 جو ہے ریمیڈیٹو پرائس کے وجہ کسان کو انصاف نہیں دلوا سکتے۔ تم 4,000 دینا ایک بات ہے، مگر ریمیونریٹو پرائز دلوانا تمہارا اصلی ذمہ دار ہے بلکہ میں بولنا چاہتا ہوں۔ ریاست قائد راملو نائک نے دعویٰ کیا ہے کہ جس طرح ریاست کو سنہرا تلنگانہ میں تبدیل کرنے کے اقدامات ویرالہ کے سی آر کی جانب سے کیے جا رہے ہیں، اسی طرح تھرڈ فرنٹ کا قیام عمل میں لاتے ہوئے ملک کو بھی سنہرا بنایا جائے گا۔ انہوں نے اس بات کی تردید کی کہ تھرڈ فرنٹ کا قیام بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کی غرض سے کیا جا رہا ہے۔ ٹی آر ایس خاص راملو نائک نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جس طرح ریاست کو سنہرا تلنگانہ میں تبدیل کرنے کے اقدامات ریالہ کے سی آر کر رہے ہیں، اسی طرح تھرڈ فرنٹ کا قیام عمل میں لاتے ہوئے ملک کو بھی سنہرا بنانا چاہتے ہیں، لیکن کانگریس گمراہ کن پروپنڈا کر رہی ہے کہ ٹی آر ایس بی جے پی کو فائدہ پہنچانے کے لیے تھرڈ فرنٹ کا قیام عمل میں لا رہی ہے، اور بتایا کہ حقائق سے عوام اچھی طرح واقف ہیں اور ریالہ کے سی آر بغیر بی جے پی اور کانگریس کے تھرڈ فرنٹ کا قیام عمل میں لانے کی کوششوں میں ہیں۔ ویسا کچھ بھی نہیں ہے، بھارتیہ جنتا پارٹی کو اگنسٹ جتنے بھی پارٹی ہے تھرڈ فرنٹ کے لیے یہ کام کرنے کے لیے ہمارے سی ایم صاحب یہ کر رہے، آج کانگریس والے بول رہے آج بی جے پی کو سپورٹ کرنے کے لیے ہماری ووٹ توڑنے کے لیے، یہ دونوں کا ووٹ دیش میں ان کو نہیں ہونا، یہ لوگ ادھیکار میں نہیں آنا بول کے تھرڈ فرنٹ یہ کر رہے، اس پہ کیچڑ اچالنے کا سمسیا وہ لوگ کر رہے۔ پدین تھرڈ فرنٹ پرسن دیوا گوڑا کو ملے، اس کے بعد میں ممتا بینرجی میڈم کرنے گئے، دیش میں کتنے بھی لوگ ہیں ان سے سب کو ملا کے تھرڈ فرنٹ ہوتا، بھارتیہ جنتا پارٹی کانگریس پارٹی دونوں کو یہ دیش کو چلانے کا حق نہیں ہے بول کے تھرڈ فرنٹ یہ کر رہے ہیں۔ ڈیفنیٹ ابھی بولا نا بھائی، سنہرے تلنگانہ جو بنگارو تلنگانہ ہے، دیش کا بھارت دیش کا بنگارو بھارت دیش بنانے کے لیے یہ تھرڈ فرنٹ تیار ہو رہا، جس کے لیے لوگوں کا آنکھا جل کے سی ایم پہ کیچڑ اچالنا ان کا یہ ہے، ان کو کانگریس پارٹی کو کیچڑ اچالنا ہی معلوم ہے، اس کے لیے وہ لوگ کنوینس
देश में कोई लोग इनका बारे में कन्विंस नहीं हो रहे, जिसके लिए पब्लिक को कन्फ्यूज करने के लिए ये लोग। तेलंगाना तेलुगु देशम सीनियर खैर आर चंद्रशेखर ने बीजेपी फलूडा किशन रेड्डी की जानिब से तेलुगु देशम और रियाला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू पर लगाए गए इल्जाम को मुस्तरद किया। उन्होंने कहा कि मुतहदा रियासत आंध्र प्रदेश में तेलुगु देशम ने बीजेपी से मफाहमत की थी, जबकि फायदा सिर्फ बीजेपी को हासिल हुआ था। तेलंगाना तेलुगु देशम सीनियर कायद आर चंद्रशेखर ने मीडिया से बात करते हुए बीजेपी फ्लोरिडा किशन रेड्डी की जानिब से तेलुगु देशम और रियाला आंध्र प्रदेश नारा चंद्रबाबू नायडू पर लगाए गए इल्जाम को मुस्तरद किया और बताया कि मुतहदा रियासत आंध्र प्रदेश में 1999 में तेलुगु देशम से बीजेपी ने मुफाहमत करने की वजह से आंध्र प्रदेश में बीजेपी अपने कदम जमा सकी, न कि बीजेपी की वजह से तेलुगु देशम को फायदा हासिल हुआ है, जिस तरह के किशन रेड्डी आवाम को गुमराह कर रहे हैं। और बताया कि साल 2014 के आम इंतखाबात में भी बीजेपी को जो रियासत आंध्र प्रदेश में नशिस्तें हासिल हुई हैं, वो तेलुगु देशम की मकबूलियत ही का असर है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज हुकूमत तेलंगाना का क्याम रियासत की तहजीब तमद्दुन और जबान को फरोग देने के लिए किया गया है। डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज एम हरी कृष्णा ने रूबी न्यूज से खसूसी बातचीत में बताया कि वो उर्दू जबान और उर्दू तहजीब और कल्चर के फरोग के लिए भी इकदाम का अज़्म रखते हैं। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले के तहत हर साल की तरह इस साल भी रविंद्र भारती के लॉन में सलाम तेलंगाना के उनवान से 30 यौम पर मुश्तमिल तहजीबी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज हुकूमत तेलंगाना की जानिब से तेलुगु जबान के साथ साथ उर्दू के फरोग के लिए भी नुमाया इकदाम किए जा रहे हैं। डायरेक्टर एम हरी कृष्णा ने एक मुलाकात में रूबी न्यूज को बताया कि हर साल की तरह इस साल भी सलाम तेलंगाना के उनवान से 30 यौम पर मुश्तमिल तहजीबी और सकाफती प्रोग्राम रविंद्र भारती थिएटर के लॉन में मुनक्किद किए जा रहे हैं। डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर एंड लैंग्वेज एम हरी कृष्णा ने बताया कि महकमे के क्याम का मकसद रियासत की तहजीब और तमद्दुन और जबान को फरोग देना है। उन्होंने बताया कि इस सिलसिले के तहत महकमे का पब्लिकेशन डिवीजन भी काम कर रहा है। उन्होंने बताया कि हालिया अरसे में जर्मनी जबान की फिल्मों और ईरानी फिल्मों और म्यूजिकल फेस्टिवल का इनेकाद अमल में लाया गया और आने वाले दिनों में दक्कन फिल्म फेस्टिवल का भी अहतमाम किया जाएगा। वाद रहे कि डायरेक्टर एम हरी कृष्णा एक उर्दू दोस्त शख्सियत हैं और वो रियासत की दूसरी सरकारी जबान उर्दू के फरोग के लिए कई इकदाम करने का अज़्म रखते हैं। उन्होंने बताया कि वो उर्दू के कई शायरों और शख्सियात के बारे में भी पढ़ चुके हैं और वो उर्दू लिटरेचर से काफ़ी मुतासिर हैं। डायरेक्टर हरी कृष्णा ने रियाला के सी आर और मुतालिका वजीर अजमेरा चंदूलाल से भी इजहार तशक्कुर किया कि वो उन्हें महकमे में इकदाम करने के लिए हमेशा हौसला अफजाई करते आए हैं। शख्सियत से आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जो सरकारी महकमे में रहते हुए एक उर्दू के फ़ैन हैं, उर्दू के लवर हैं, उर्दू दोस्त ऑफिसर कहलाते हैं। जी हाँ, मेरी मुराद डायरेक्टर डिपार्टमेंट ऑफ कल्चरल एंड लैंग्वेज मिस्टर एम हरी कृष्णा से है। आइए हम उनसे बात करते हैं और जानते हैं इस डिपार्टमेंट के बारे में और उर्दू कास्ट के लिए किए जाने वाले इकदाम के बारे में। द थिंग इज दैट हमारा डिपार्टमेंट जो है ये तो कल्चर का ही है, मींस तहजीब का ही है। तहजीब को बढ़ाना है। हमारा जो तेलंगाना में वो थाउजेंड्स ऑफ साल से तो हिस्ट्री है, कल्चर है, आर्ट फॉर्म्स है, लिटरेचर है, ये सभी को बढ़ाने के लिए और ये सभी को प्रोपगेट करने के लिए, पब्लिसिटी करने के लिए, प्रमोशन करने के लिए हमारा डिपार्टमेंट जो काम करता है। हमारा महानरेबल सीएम कलकुंड चंद्रशेखर राव जी ने ही हिमसेल्फ ए वंडरफुल पोएट एंड ही इज़ हैविंग ए ग्रेट रेस्पेक्ट टुवर्ड्स गंगा जमुना तहजीब जो हमारे हैदराबाद और तेलंगाना में जो है। पहले तो हमारा स्टेट, हमारा रियासत आने के पहले, हमारा तेलंगाना स्टेट आने के पहले जो है, इन लोगों को हैदराबाद की और उर्दू की, उर्दू ज़ुबान की और उर्दू तहजीब की उतना बड़ा शान और शौक और रेस्पेक्ट तो नहीं हो सकता होगा शायद। सो आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ तेलंगाना स्टेट, हमारा तेलंगाना जो है ये तो मिक्सचर एंड परफेक्ट कन्फ्लुएंस ऑफ इंडो एंड इस्लामिक कल्चर्स। सो हमारा हैदराबाद में
اسپیشلی اردو تہذیب تو ہے، اردو تہذیب کو بھی بڑھانا، اور اردو تہذیب میں جو جو تو ہے، قوالی ہے، صوفی سنگیت ہے، اور سبھی آرٹ فارمس تو ہے، ان کو بھی بڑھانا، پروموٹ کرنا اور سپورٹ کرنا ہمارا ہی ہوگا. تو اور ہمارا ڈپارٹمنٹ جو ہے یہ تو پرفارمنگ آرٹس کو اسپیشلی فوکس کرتا ہے. پرفارمنگ آرٹس بولے تو ہمارا جو تلنگانہ میں انشینٹ آرٹ فارمس تو ہے، ویری پرانا آرٹ فارمس تو ہے. پرانا بولے تو وہ رورل آرٹ فارمس ہے، فوک آرٹ فارمس ہے، لوک جن آرٹ فارمس جو ہے، اور ٹرائبل آرٹ فارمس بھی ہے، اور شاستری کلاسیکل آرٹ فارمس آلسو دیئر، لائک کتھک اور ہندوستانی میوزک اور کرناٹک میوزک اور پیرنی سم تھنگ لائک دیٹ. اینڈ آن دا سیم لائنس وی ڈو ہیو حیدرآباد دکنی تہذیب. سو حیدرآبادی دکنی تہذیب بولے تو ویری یونیک فیچر آف حیدرآباد اینڈ تلنگانہ. ہمیں یہ جو نارتھ انڈیا اسٹیٹس کو گئے تو ان کے بارے میں وہ ہندی جیسا تہذیب تو ملتا ہے، اور ساؤتھ انڈیا گئے تو دکنی ناٹ دکنی بٹ دراوڑین اسٹائل آف کلچر ملتا ہے. مگر ہمارا حیدرآباد جو ہے اور تلنگانہ جو ہے یہ تو حیدرآباد ساؤتھ سے نارتھ ہے، نارتھ سے ساؤتھ ہے. یہ تو ساؤتھ انڈیا نارتھ انڈیا کا بہت بڑا سا کنیکٹنگ لنک جو ہے. سو اس لیے ہمارا دکنی کلچر میں یہ سبھی کلچرس ملا کے ہم کو دکھتا ہے، اور اس لیے وی ڈو ہیو اے گریٹ ریسپیکٹ ٹو ہانر اینڈ گیو اے گریٹ امپیٹس ٹو آل دی کلچرس ہیئر. اینڈ اپارٹ فرام دیٹ حیدرآباد جو ہے یہ تو کاسموپالٹن کلچر ہے، وشو نگر ہے. اسی وشو نگر میں کئی جاتوں، کئی راشٹروں سے، کئی پلیسز سے، کئی لینگویج سے ادھر آ کے سیٹل کر دیے سبھی لوگ، اور ودیشوں بھی ہے ادھر. ہمارا ایران میں بھی ایرانین والا ہے، اور جاپانیز، کورینس آر دیر، اینڈ چائنیز آلسو، سم آف دی پیپل آر دیر، ایون جمائیکنس آلسو دیر، اینڈ نائجیرینس، آفریکنس، یوروپینس، اینڈ مینی سارٹس آف پیپل آر ہیئر ریسائڈنگ وتھ ہیپی اینڈ جوائے. سو اس لیے حیدرآباد یہ تو پیار کی شہر ہے، موتی کا شہر ہے، بسکٹ کی شہر ہے، اور بریانی کی شہر ہے. ایٹ دا سیم ٹائم یہ تو تہذیب کی شہر بھی ہے. سو اس لیے یہ سبھی ہم کو معلوم ہے. اس لیے ڈپارٹمنٹ آف لینگویج اینڈ کلچر از ویری مچ ہیپی ٹو پروموٹ، سپورٹ اینڈ انکریج ایچ اینڈ ایوری آرٹ فارم وچ ایز ہیونگ اے گریٹ ٹریڈیشن فرام تلنگانہ، انکلوڈنگ حیدرآباد دکنی آرٹس. سر جیسا کہ ابھی پروگرام چل رہا ہے، ایک مہینے کے لیے آپ کئی آرٹسٹوں کو جو ہے یہاں پر، خاص کر رویندر بھارتی میں پروگرامس کروا رہے ہیں، اور اس میں اردو تہذیب اور تمدن کو اجاگر کیا جا رہا ہے. جیسا کہ آپ نے بتایا کہ سر اس سے پہلے آپ کئی قسم کے فلم فیسٹیول، آنے والے دنوں میں کیا ایسا کوئی دکنی فلم فیسٹیول کا بھی آپ کا پروگرام ہے، اور یہ جو پروگرامس ہو رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کی کیا توجہ؟ ہمارا آفٹر اسمپشن آف چارج ایز دی ڈائریکٹر آف کلچر I have read n number of things, and prior to that as a Telanganite I have read n number of things related to Urdu tehzeeb and Urdu culture and Urdu literature. I am a great fan of Sadat Hasan Mantoji, Firak Gorakhpuri, Munshi Premchand, and Kuratul Ain Haider, and Qazi Nazrul Islam, and Kaifi Azmi, and Kaif Muhammad, I read them like anything. And even Jalaluddin Rumi and Hafiz, these are the greatest saints and greatest poets and greatest laureates and literatures. So Maghdu Mohiddin B. So I do have a great respect towards those creations and those literature and Urdu tehzeeb. So isliye when I came over here as the director in the 2015 year itself, we have organized here Salaam Telangana naam pe 20 days ka programs Ravindra Bharat mein kar diye. So inke baad 2016 mein bhi Tehzeeb Telangana naam pe 10 din ki pura karyakram to bana hua hai idhar. Our this time in the year 2018 now we have planned for 30 roza ka اردو تہذیب کا سیلیبریشن، اردو کلچر کا، اردو آرٹ فارمس کا ہم تو ابھی کر رہا ہیں. یہ تو ایز اے ٹریبیوٹ ٹو دی گریٹسٹ کلچر آف اردو، بیکاز حیدرآباد ویری ونڈرفل آرٹسٹ ہے، مشہور کلاکار ہے. یہ جو جگہ ہے مشہور کلاکاروں کا، مشہور فنکاروں کا، مشہور آرٹسٹ کا.
So every artist should be honored, every artist should be recognized, and every artist should be given a platform or a chance to express his talent and showcase his talent. So we have planned this entire 30 days program to showcase to the their talents and to give a platform to all the greatest artists of Hyderabad. Because Hyderabad is Talat Ajiz ji hai idhar se, our many other greatest singers or poets and hai aur pehle hi aur ek baat aapse share karna chahta hu ki Maa Lakha Bhai Chenda hai, ye to pehli poetess hai asal itihas mein. एक पहली पोएटस जो है हमारा हैदराबाद की है, ये तो हमारा बड़ा शान है और ये तहजीब की निशान है. सब लोग इनको याद करना, इनके यादों पे कुछ सेलिब्रेट करना, ये तो हमारा रिश्ता, आई मीन हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है. एट द सेम टाइम इट इज़ ए हॉनर टू ऑल द पीपल ऑफ हैदराबाद. सो ये 30 रोज़ा प्रोग्राम में हमें सभी उर्दू प्रोग्राम को मिला के एक प्रोग्राम तो बना दिए. इसमें गज़ल्स है, दो गज़ल्स, दो स्टाइल ऑफ गज़ल्स आर देर, मिर्ज़ा गालिब जैसा गज़ल्स, ओरिजिनल गज़ल्स आर देर, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट द फिल्मी गज़ल्स, बिकॉज दे आर वेरी वेरी पॉपुलर, एंड फिल्मी गज़ल्स भी हैं. और मुशायरा है, मजाहिया मुशायरा है, और औरतों का मुशायरा, एक्सक्लूसिवली औरतों के लिए एक मुशायरा हमें इधर करने के लिए प्रोग्राम तो बना हुआ है. और सूफी संगीत भी है हमारा जो है दरगास में. दरगास यू कैन फाइंड एन नंबर ऑफ दरगास इन हैदराबाद. हैदराबाद इज़ द ओनली सिटी वेयर वी आर हैविंग मोर देन 48 एक्सलेंट दरगास विच एम्फसाइज द सूफी कल्चर ऑफ हैदराबाद एंड एंटायर इंडिया. यू मे फाइंड दरगास इन अजमेर एंड दिल्ली एंड समदर लखनऊ एंड समदर प्लेसेस, बट इन केस ऑफ हैदराबाद मोर देन 48 दरगास आर देर where people go and worship the god and allah and all. So that is the reason sufi sangeet bhi hame celebrate karna hai. Sufi sangeet hai aur comedy shows. Hyderabad is very popular for comedy shows since many years. So babban khan ki natak hai, babban khan ki wo play hai, aur many other ded mat wale jaisa आर्ट फॉर्म्स है, थिएटर ग्रुप्स है, इसी थिएटर ग्रुप को भी हमें इधर इधर इनवाइट करके परफॉर्म कर रहा है. सो इधर इट दिस आर ऑल द थिंग्स दैट आर बीन इंक्लूडेड इन इट. गज़ल्स है, मुशायरा है, कव्वाली. कव्वाली इज़ आल्सो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ट्रेडिशन ऑफ हैदराबाद. एज यू नो वेल हमारा वारसी ब्रदर्स है, नवाज़ ब्रदर्स है, और एहसान ब्रदर्स है, मेनी अदर पीपल आर देयर फ्रॉम हैदराबाद, एंड हैदराबाद इज़ नंबर वन इन द वर्ल्ड ऑफ कव्वाली. In the entire world, in the map of Qawwali, in the entire world, हमारा इसलिए हमारा ये सब greatest artist है, इसको हमें बहुत honor करना है. इसलिए हमें तो ये 30 days का program तो बना हुआ है और celebrate करने का इंतज़ाम है. आपकी मदद चाहिए सभी लोगों, हमारा भाइयों और बहनों who are having a great respect towards arts and culture of Hyderabad. Please do welcome to you all. Please do come and enjoy the celebrations of Urdu festival here in Hyderabad in Ravindra Bharati. And one more thing, aur ek bar aapse baat karna chahta hu bhaiyo aur behno, kyunki hamara Ravindra Bharati jo hai national prestigious theater hai, ye to 56 years ke pehle hi bana hua hai, magar isi 56 years mein 30 days ka Urdu programs karna ye to pehli bar hi hai. This is the first time ever in the entire history of Ravindra Bharati. So this was all happened only because of the formation of Telangana state only. Hamara riyasat hamara ko aaye, hamara culture ko hamara hame bahut badhane ke liye ek aasha mili aur ek chance, we got a chance, mauka mila. So is mauka ko यूटिलाइज करना और बढ़ाना के लिए प्रोग्राम तो हमें डिपार्टमेंट ऑफ कल्चर से कर रहा है. डीसीपी वेजोन एआर श्रीनिवास की क्यादत में वेजोन के पंजागुटा पुलिस स्टेशन हदूद में वाकई राजभवन मख्ता, जिसे मदार साहब का मख्ता भी कहा जाता है, उसमें घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई. इस तलाशी मुहिम में तकरीबन 200 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया. इस मुहिम के दौरान एक डीसीपी, दो एसीपीस के अलावा 10 इंस्पेक्टर्स,
24 सब इंस्पेक्टर्स और 163 कॉन्स्टेबल्स ने हिस्सा लिया। इस दौरान गैरकानूनी तौर पर रखे गए 10 LPG सिलेंडर्स, बगैर दस्तावेजात की 36 बाइक्स, 4 ऑटोज भी जब्त किए गए। पुलिस ने सीडॉट एप्लीकेशन के जरिए 6 अफराद को हिरासत में लिया जिनके ताल्लुकात मुजरिमीन के साथ पाए जाते हैं। DCP वेस्ट जोन AR श्रीनिवास ने बाजा मीडिया को तफसीलात बताई। इसमें सर्च ऑपरेशन के बाद 36 टू व्हीलर्स, 4 ऑटो सीज किया गया है और 10 सिलेंडर जो कमर्शियल पर्पस के इस्तेमाल कर रहे थे, डोमेस्टिक सिलेंडर, वो भी आइडेंटिफाई करके वो भी सीज किया गया है। इसमें 6 सस्पेक्ट्स और 4 रॉडी चीटर्स को भी उनके घर में जाके उनसे बातचीत किया गया, वो किस तरह से जी रहे वो लोग, उनका फैमिली मेम्बर्स कैसे, वो सब उनका हालत भी डिटेल में वेरीफाई किया गया है। इसके बाद हम लोग ये लोकल से इंटरेक्ट होके ये इस तरह का ये कॉलोनी का जो भी है उनका मतलब कोई डिफिकल्टी है क्या है वो भी उनसे बात किया जाए, वो उनके जो तकलीफ है वो स्ट्रीट लाइटिंग है, जो स्ट्रीट थोड़े रोड्स का प्रॉब्लम है वो भी वो लोग बताए थे। वो जो GHMC डिपार्टमेंट है उनके ये जो प्रॉब्लम्स है उनको हम लोग वहाँ पे एक लेटर देके अपील करेंगे कि ये जो प्रॉब्लम। वरसलीपुरम ट्रैफिक पुलिस की जानिब से हयात नगर पेद्दा अंबरपेट आउटर रिंग रोड पर ड्रिंक एंड ड्राइव मुहिम चलाई गई। वीकेंड पर चलाई गई इस खसूसी मुहिम में 10 गाड़ियां जब्त की गई और 10 अफराद पर केसेस भी दर्ज किए गए। जब्तशुदा गाड़ियों में 4 लॉरियां, 3 DCM और 3 कारें शामिल हैं। हिरासत में लिए गए 10 अफराद को काउंसलिंग के बाद मजिस्ट्रेट के रूबरू भी पेश किया जाएगा। సార్ कश्मीर के कठुआ जिले में कमसिन लड़की के साथ की गई बर्बरियत के खिलाफ इतवार को हल्के संभल याखुदपुरा के नौजवानों ने एहतजाजी रैली निकाली। मस्कुरा रैली रेती की मस्जिद, बड़ा बाजार, एतबार चौक, कोटला, अलीजा से होती हुई चार मीनार पहुंची। रैली में शिरकत करने वाले नौजवान और कमसिन बच्चों के हाथों में प्ले कार्ड से जिस पर तहरीर था कि कठुआ के मुजरिमीन को फौरी तौर पर फांसी दी जाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसी हरकतों पर रोक लगाई जा सके। तेलुगु फिल्म स्टार पवन कल्याण के बाद न्यूज चैनल्स के खिलाफ किए गए रिमार्क्स पर हफ्ते को मुख्तलिफ जर्नलिस्टों की जानिब से एहतजाज किया गया था और इतवार को भी ईस्ट जोन और साउथ जोन के जर्नलिस्टों ने तारीखी चार मीनार के करीब अपना एहतजाज दर्ज करवाया और पवन कल्याण के खिलाफ नारेबाजी की गई और हुकूमत से मुतालबा किया गया कि वो जर्नलिस्टों के खिलाफ पवन कल्याण के रिमार्क्स का नोट ले और उनके खिलाफ केस दर्ज किया जाए। जर्नलिस्टों ने कहा कि मीडिया की बदौलत आज वो ऊंचे मकाम पर पहुंचे हैं और जर्नलिस्टों को वो तनकीद कर रहे हैं। जर्नलिस्टों ने पवन कल्याण को इंतबाह दिया कि इस तरह की हरकत मुस्तकबिल करीब में न करें, बसूरत दीगर शदीद एहतजाज मुनज़िम किया जाएगा।
ప్రశ్నించే గొంతు ఏదైతే పబ్లిక్ కి గవర్నమెంట్ కి మధ్య వారధిగా ఉన్న మీడియానే నువ్వు అనగదుకో ప్రయత్నం చేస్తున్నావు, ప్రశ్నించే గొంతునే నువ్వు గొంతుపై నేను కత్తి తీస్తున్నావు, కత్తి దూస్తున్నావు అని చెప్పి కూడా నేను ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాను. ఎందుకంటే ప్రశ్నించాలని చెప్పి జనసేన పార్టీని స్థాపించి పూర్తిగా విరుద్ధంగా నువ్వు చేస్తున్న కార్యక్రమాలను ఒకసారి నీకు నువ్వే ఆత్మ పరిశీలన చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా మేము కోరుతున్నాము. అంతేకాకుండా మహిళల పట్ల అపారమైన గౌరవం ఉంటుంది, నాకు అపారమైన మహిళల పట్ల అపారమైన గౌరవం ఉంటుంది. వారికి పూర్తి తరాల్లో నేను రక్షణ ఇస్తాను, ఎల్లప్పుడూ వారికి తోడుగా అన్నలా ఉంటానని చెప్పి నువ్వే రెండు మూడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకొని ఒక మహిళకు ఏ విధంగా గౌరవం ఇవ్వాలో నీకు తెలియని నువ్వే రెండు మూడు పెళ్లిళ్ళు చేసుకోవడం జరిగింది. మొదటగా నువ్వు నీకు నువ్వే ప్రశ్నించుకోవాలి, అంతేకాకుండా నీ అన్న నువ్వు ప్రశ్నించుకో. ఎందుకంటే ప్రజారాజ్యం పార్టీ స్థాపించి ప్రజలని యావత్ ఆంధ్ర రాష్ట్ర ప్రజలను కూడా నమ్మించి మోసం చేసిన నువ్వు నీ అన్న ఇద్దరు మొదట మీరు మీకు ప్రశ్నించుకోండి, తర్వాత మమ్మల్ని ప్రశ్నించండి అని చెప్పి కూడా నేను చెప్తా ఉన్నాను. అంతేకాకుండా నువ్వు చేసే ట్వీట్లు వ్యాఖ్యలు ఏదైతే ఇప్పటికైనా దీన్ని నువ్వు ఆపకపోతే మా ఉద్యమం అనేది కూడా మా నిరసన కార్యక్రమాలు అనేటివి కూడా మేము పూర్తి తరాలు ఇంకా తీవ్రతం చేస్తాము. అంతేకాకుండా వీలైతే మేము ఎంతటి ఎక్స్టెంట్ వరకు అయినా వెళ్తాము కూడా నేను మా జర్నలిస్టుల తరఫున కూడా చెప్తా ఉన్నాను. పవన్ కళ్యాణ్ ఫ్యాన్స్ మీడియాకి ఊపర్ జో మతలబ్ వార్ కరే హై తో మే పవన్ కళ్యాణ్ సే యే బోల్నా చాహ్ రహా హూం కి యే చీజే బిల్కుల్ గలత్ హై. పవన్ కళ్యాణ్ తుమ్ జితనా ఊపర్ హై ఉతనా నీచే భీ ఆ సక్తే హై, క్యూంకి మీడియా కా ఏక ఐసా పవర్ హై జో తుమ్కో ఆస్మాన్ కే ఊపర్ తక్ భీ పహుంచా సక్తా హై ఔర్ ఆస్మాన్ సే నీచే గిరానే భీ ఆ సక్తా హై. తో మతలబ్ మే పవన్ కళ్యాణ్ కో యే బోల్నా చాహ్ రహా హూం కి పవన్ కళ్యాణ్ తుమ్ యే జో ఔరతోం కే తాలుక్ సే భీ జో బోల్ రహే హై, క్యూంకి ఖుద్ తుమ్ ఖుద్ జో హై పవన్ కళ్యాణ్ కే అబ్ చార్ షాదియా తుమ్ కర్ చుకే హై జిస్మే సే కిసీ తీన్ కో ఛోడ్ చుకే హై. एक अब आउट ऑफ मतलब जो बाहर इंडिया से जो बाहर है उसको करके रखे हैं, लेकिन उसकी कब बारी है पता नहीं. तो पवन कल्याण मैं तुमको चेतावनी देता हूं कि आइंदा से मीडिया के ऊपर हमले करना बंद कर दो, और मीडिया के जरिए तुम जितना आगे बढ़े हैं तुम जो आसमान को छू रहे थे वह आसमान से नीचे कभी भी गिर सकते हैं. तो ये खबरदार पवन कल्याण, आइंदा से अगर कोई मीडिया के ऊपर अगर कोई ऐसा वाकया पेश आएगा तो पवन कल्याण मीडिया फिर तुमको छोड़ेगी नहीं. आज जो प्रोटेस्ट हुआ, जो चार मीनार का जो खदीम जो इमारत, जो हमारे जो शान है हैदराबाद का शान है, जो चार मीनार के पास जो पूरे 100 जोन के जो जर्नलिस्ट है आज प्रोटेस्ट करे, किसके खिलाफ बोले तो जो पवन कल्याण जो तेलुगु एक्टर है उनके खिलाफ. जो परसों जो वाक़या हुआ, जो वाक़या ऐसा हुआ कि उनके फैंस जो है ना मीडिया के जितने भी ओपी वैंस है जिन्हें लाइफ देने जो व्हीकल्स है वो व्हीकल्स को जो है ना तोड़ फोड़ करके जो है ना मीडिया के पर्सन्स के ऊपर भी अटैक कर चुके. तो ये इसके हम बिल्कुल मजम्मत करते हैं कि इसको कम्प्लीटली कंडम करते हैं कि ऐसे चीज़ा नहीं होना चाहिए. पवन कल्याण आप ये चीज़ आप ज़रूर गौर करना है कि कई को आप मीडिया के थ्रू आप आज ये मुकाम पे है. मीडिया अगर चाहिए तो आपको फिर नीचे भी लेके आ सकती है, मीडिया के बदौलत है. यानी आपको हर जगह पे मीडिया ही फॉलो कर रही है, मीडिया के बदौलत आप आज यहाँ पे. आप माफ़ी मांगना चाहिए हमारे मीडिया ब्रदर से तो ही जो है ना ये जो है ना यहाँ से खत्म होगा, अगर नहीं. अयोध्या से के बात की खबरें. एडिशनल डीसीपी वेजोर वेंकटेश्वरलू की जरे क्यादत एतवार को लंगर हाउस पुलिस स्टेशन हदूद में वाके मुगल कानाला इलाके में घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई. इस मुहिम में 200 पुलिस अहलकारों ने हिस्सा लिया, जबकि जुमला 291 मकानात की तलाशी ली गई. दस्तावेजात सही न होने पर 30 बाइक्स, 2 ऑटोस को जब्त किया गया, जबकि सी डॉट एप्लीकेशन में चेक करने के बाद 11 मुश्तबा अफराद को हिरासत में लिया गया जिनके ताल्लुकात मुजरिमीन के साथ पाए गए. इलाहाबादी 7 रोडी शीटर्स को हिरासत में लेकर उनकी सरगर्मियों की जांच की गई. बाद एडिशनल डीसीपी वेजोर वेंकटेश्वरलू ने मीडिया को इस सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया. और जुमला ये मुगल कानाल एरिया में से घर घर करके तकरीबन 2.5 से 3 घंटे तक ये कार में सक चला, जिसमें तकरीबन हमारा आत्मशिमा मिलकर और आसमान मिलकर 8 से 20 घंटा और तकरीबन बहुत और लोकल अजीम जो पब्लिक से हमारे वार्ड आया जो मेन रोड.
بہادر پور انسپورہ میں واقع فنکشن ہال میں قریش برادری کی جانب سے مفت ختنہ کیمپ کا انعقاد عمل میں لایا گیا. مجلس رکن اسمبلی محمد مودم خان نے اس ختنہ کیمپ کا افتتاح انجام دیا. واضح ہے کہ اس طرح کا مفت ختنہ کیمپ قریش برادری کی جانب سے گزشتہ 5 سال سے منعقد کیا جا رہا ہے. اس موقع پر ڈویژن کارپوریٹر محمد مبین، مجلسی سرگرم کارکنان کے علاوہ قریش برادری سے تعلق ہونے والے افراد کی کثیر تعداد موجود تھی. کشمیر کے کٹھوا ضلع میں کمسن لڑکی کے ساتھ عصمت ریزی اور قتل واقعے کے خلاف شہر میں اتوار کو بھی کئی تنظیموں کی جانب سے احتجاجی ریلیاں منظم کی گئی. سماجی تنظیم شاہین کی جہدکار شمیلہ نشاد کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی، جس میں سینکڑوں مرد و خواتین اور کمسن بچے دیکھے گئے جو اپنے ہاتھوں میں پلے کارڈز تھامے ہوئے تھے اور کافی طویل سیاہ کپڑے بھی تھامے ہوئے تھے. احتجاجیوں نے قاتلوں کے خلاف سخت کارروائی کرنے کا مطالبہ کیا. جمیلہ نشاد نے سرپرستوں پر زور دیا کہ وہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں. علاوہ ازیز چارمینار کے قریب ہی مختلف ڈویژن سے نکالی گئی خاموش ریالیاں بھی جمع ہوئی اور احتجاجی اپنے ہاتھوں میں سیاہ کپڑے بھی تھامے ہوئے دیکھے گئے. والد بولنے لگائے گا کیا؟ وہ بہت کمپلیکس سچویشن ہے. میرے لحاظ سے کڑی سزا ہونی چاہیے، لیکن کیپٹل پنشمنٹ ہونا ہے. آپ زندگی بھر کے لیے جیل میں ڈالیے. چشتی فاؤنڈیشن کے زیر اہتمام ہفتے کی رات میلاد میدان خلوت پر غوث البرہ کانفرنس کا انعقاد عمل میں لایا گیا. اس کانفرنس میں مہمان خصوصی کے طور پر پیر ہاشم الجیلانی نے شرکت کی اور خطاب میں عامۃ المسلمین پر زور دیا کہ وہ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات پر عمل پیرا ہو جائے. اس کانفرنس سے مولانا قبول پاشا شتاری، مولانا مفتی قلیل احمد، مجلس رکن اسمبلی سید احمد پاشا قادری، شیخ ادریس خلیفہ، مولانا شجاع الدین افتخاری، جنید پاشا قادری کے علاوہ دیگر علماء کرام اور مشائخ نظام نے خطاب کیا. اس موقع پر ساؤزن پولیس کی جانب سے وسیع پیمانے پر انتظامات کیے گئے تھے. یونائٹڈ کرکٹ فورم کی جانب سے منعقد کیے جا رہے سینٹر سسٹم سی بی بی سی ایل سیزن 2 مڈل ایسٹ ایشیا کپ 2018 ڈے نائٹ سافٹ بال ٹورنامنٹ ٹرافیز کی رسم رونمائی تقریب جدہ کی ایک مقامی ہوٹل میں منعقد ہوئی. اس تقریب میں ٹورنامنٹ کے سپانسرز کے علاوہ معزز مہمانوں نے شرکت کی اور یونائٹڈ کرکٹ فورم کے ذمہ داران کو مبارکباد پیش کی گئی.
सेंटर सिस्टम डीबीसीएल सीजन 2 मिडिल ईस्ट एशिया कप 2018 डे नाइट सॉफ्टबॉल टूर्नामेंट ट्रॉफीज की रस्म रोनमाई तकरीब जिद्दा की एक मकामी होटल में मुनक्किद हुई। वास्कोरा टूर्नामेंट यूनाइटेड क्रिकेट फोरम की जानिब से मुनक्किद किया जा रहा है, जबकि सेंटर सिस्टम्स के अलावा करीम एंड इंडोमी, सैब, जमजम रेस्टोरेंट, गॉर्मेट स्वीट्स, ट्रिपल ए बिल्डर्स, पैराडाइज रेस्टोरेंट्स, पेप्सी और पीपीएल स्पॉन्सर्स हैं, जबकि आईजेएफएफ इस टूर्नामेंट का मीडिया पार्टनर है। तकरीब का आगाज तिलावत कलाम पाक से हुआ, जबकि एयाजुद्दीन इरफान ने तमाम स्पॉन्सर्स और मौजूद मेहमानों का खैर मकदम किया। मुजम्मिल रियाज ने टूर्नामेंट के बारे में तफसीलात बताईं और यूनाइटेड क्रिकेट फोरम की जानिब से किए जा रहे इकदाम पर भी तफसीली तौर पर रोशनी डाली। स्पॉन्सर्स और मेहमानान उस्मान गनी, मोहम्मद जमील, समीरा अजीज, फौजिया खान, हाना, नौशीन वसीम और दीगर ने ट्रॉफीज की रस्म रोनमाई अंजाम दी। यूनाइटेड स्पोर्ट्स फोरम कमेटी मेंबरान जावीद अहमद, समी खान, अहमद अब्दुलरहमान, मुजम्मिल रियाज, रफीउल्ला, अनवर खान, सैयद शरीफुद्दीन, एयाजुद्दीन इरफान, मुश्तबा कुरैशी, मोहम्मद कामरान, मोहम्मद समर, एयाज हुसैनी, इरफान दयानी, मोहम्मद अफान और मोहम्मद अक्रम के अलावा दीगर भी इस मौके पर मौजूद थे। गोल्डन तेलंगाना वेलफेयर एसोसिएशन दमाम चैप्टर की जानिब से एक तकरीब का अहतमाम किया गया। इस तकरीब में हिदायतुल्ला बेग को ईस्टर्न प्रोविंस को इंचार्ज के तौर पर नामजद किया गया। तकरीब का अहतमाम इंचार्ज दमाम चैप्टर रजा अल फरदान की जानिब से किया गया, जबकि मारूफ बिजनेसमैन मुमताज अली अकरम, साबिका चेयरमैन और रुकन IISD मोहम्मद अब्दुल वारिस और मोहम्मद यूनुस ने इस तकरीब में मेहमान की हैसियत से शिरकत की। रजा अल फरदान के मुताबिक नईम जावेद, सफी हैदर, अशहरानी पुलिस ऑफिसर ने भी खसूसी तौर पर तकरीब में शिरकत को यकीनी बनाया। तकरीब में बोर्ड मेंबर रियाद, GTWA अजहर जुबैर के अलावा सलमान शेख, जिशान सिद्दीकी और दीगर भी मौजूद थे। इस मौके पर हिदायतुल्ला बेग को मुबारकबाद दी गई और तहनियत भी पेश की गई। We'll be right back.
خالد یمنی فین کلبز کے وائی ایف سی کی جانب سے جدہ میں منعقدہ فرینڈز چیمپئن ٹرافی کو آلیجہ کوٹلہ نائٹس ٹیم نے جیت لیا. تفصیلات کے مطابق فائنل مقابلہ آلیجہ کوٹلہ نائٹس ٹیم اور چندرائن گٹا فائٹرز کے درمیان کھیلا گیا. آلیجہ کوٹلہ نائٹس نے مذکورہ فائنل 6 وکٹ سے جیت لیا جبکہ 4 وکٹ حاصل کرنے پر تسکین کو مین آف دی میچ قرار دیا گیا. ریونیوز کے نمائندے عبد الرحمان بیگ کے مطابق اس ٹورنامنٹ کے میچز میں کئی بہترین مظاہرے دیکھنے میں آئے. آخر میں اہم خبریں ایک بار پھر. رائس مل مالکین اور کسانوں کو نقصان سے بچایا جائے گا. ریاستی وزیر فنانس ای راجندر نے منعقد کیا جائزہ اجلاس. خلوت گراؤنڈ پر غوث البرا کانفرنس کا انعقاد. علماء اکرام اور مشائخ عظام نے کیا خطاب. کٹھوعہ عصمت ریزی واقعے کی مذمت میں احتجاجی ریالیاں جاری. عصمت ریزی کرنے والے درندوں کو سزائے موت فوری طور پر دینے کا کیا گیا مطالبہ. سلام تلنگانہ کے زیر عنوان رویندر بھارتی تھیٹر میں تہذیبی پروگرامز جاری. ڈائریکٹر ڈپارٹمنٹ آف کلچر اینڈ لینگویج اردو کو فروغ دینے کے لیے پرعزم. روبی نیوز کی خصوصی رپورٹ. مقطع مدار میں گھر گھر تلاشی مہم. پنجہ گٹا پولیس نے کی کارروائی. مشتبہ افراد زیر حراست. اسی کے ساتھ روبی نیوز یہیں اختتام پذیر ہوتی ہیں. ریاستی قومی اور بین الاقوامی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے روبی نیوز. ہم اس امید کے ساتھ آپ سے اجازت لیں گے کہ آپ کا آنے والا دن اچھا ہوگا. السلام علیکم.